हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ताजमहल से जुड़े कुछ अनोखे तथ्य जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आप जानते होंगे कि ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस मोहब्बत की निशानी को शाहजहां ने अपनी तीसरी बेगम मुमताज की याद में बनाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ताजमहल के तहखाने में मुमताज महल की मजार है। पर क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के निर्माण में लगभग 3.2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अगर आज इसका अनुमान लगाया है तो कम से कम 6,500 करोड़ तो माना ही जा सकता। आप जानते होंगे कि ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, पर क्या आप जानते हैं कि इसे बनवाने में 28 प्रकार के पत्थर लगे हैं, जो विशेषकर तिब्बत, चीन, श्रीलंका और भारत के कुछ हिस्सों से इकट्ठा किए गए थे। इसके अलावा ताजमहल के निर्माण में लगभग पूरे भारत और एशिया से सामग्री मंगवाई गई थी। ताजमहल को बनवाने में लगभग 22 वर्ष लगे थे, जिसमें तकरीबन 22,000 मजदूरों ने काम किया था। कहा जाता है कि निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का उपयोग किया गया था। शाहजहां ने इस ताजमहल को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे, जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। आप जानते होंगे ताजमहल के चारों कोनों पर मीनार है, पर क्या आप जानते हैं कि चारों खंभे या मीनार सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी हुई है। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि भूकंप जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य मकबरे को इस पर मीनार से गिरने से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल बन जाने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, जिससे वो दोबारा ऐसी इमारत ना बना सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें जीवन भर काम न करने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उन्हें जिंदगी भर के लिए अच्छी खासी कीमत दी गई थी, और इसलिए यह अफवाह उड़ाया गया कि वो दोबारा कहीं काम पे न जाए। ताजमहल की नींव लकड़ी से बनी है। अगर सोचा जाए तो लकड़ी समय की अवधि में कमजोर हो गई होगी, लेकिन इसका आधार एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बना है, जो नमी मिलने पर मजबूत होती है। यह यमुना नदी की वजह से है कि लकड़ी को आज तक मजबूत और नम रखा गया है। ताजमहल पर जो डिजाइन बनी हुई है वो वास्तव में मुगल डिजाइनों का विस्तार और चित्रण करता है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी डिजाइन परंपरा का एक संयोजन है। ताजमहल पर जो लेख अंकित है उसे ज्यादातर कुरान शरीफ पुस्तक से लिया गया है। ताजमहल की दीवारों के अलावा रानी मुमताज महल और सम्राट शाहजहां के मकबरे पर शिलालेख अंकित। ताजमहल की दीवारों पर पहले कई बेशकीमती रत्न जुड़े हुए थे, जो 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार ने निकाल लिए थे। यदि ताजमहल के बगीचों की बात की जाए तो इसमें अधिकतर डैफोडिल, गुलाब और फलों के पेड़ शामिल हैं। यह तब 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत के 3/5 हिस्से पर नियंत्रण कर लिया और उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार भूमि निर्माण को बदल दिया, जो लंदन के लॉन से मिलता जुलता था। ताजमहल के अलावा शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद बनवाई। इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ऐसा ही एक और काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन उनके बेटे ने शाहजहां को कैद कर लिया और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाई। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें साल मतलब 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 साल की उम्र में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह कहा जाता है कि ताजमहल कुतुब मीनार से लंबा है। ताजमहल की लंबाई 243 फीट है, वही कुतुब मीनार की लंबाई 239 फीट है। ताजमहल अलग अलग समय पर अलग अलग दिखाई देता है। सुबह के समय यह हल्का गुलाबी, दोपहर के समय यह दूध जैसा सफेद और शाम के समय यह हल्का सुनहरा दिखाई देता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा ढक दिया गया था। यह एक विशाल मचान के साथ कवर किया गया था, जो एक बांस के भंडार की तरह दिखाई देता था। बाद में एक बार फिर 1971 में पाक युद्ध के दौरान ऐसा किया गया था। हिंदू पक्ष के अनुसार ताजमहल का असली नाम तेजो महालय है, जिसके अनुसार यह शिव मंदिर है। माना जाता है कि किसी भी मुस्लिम देश में कोई ऐसी इमारत नहीं है जिसमें महल शब्द आए, क्योंकि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। PNO ने अपनी पुस्तक ताजमहल इज ए हिंदू टेंपल में दलीलों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि ताजमहल एक शिव मंदिर है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाली इमारत है? इसे लगभग 12,000 लोग प्रतिदिन देखते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।